स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से कर्क रोग होता है। अरे देख देख देख, बड़ा हुआ लगता है। अरे देखो, मर गई क्या? वैसे ही तो लग रहा है, शायद गाड़ी से टकराई। अरे गाड़ी से टकराई होगी तो चादर किसने डाला? देखो क्या। अरे नहीं छुओ मत। हाँ, छूने से पुलिस केस बन जाएगी। ये कैसा कयामत आ गया, हर दिन कोई ना कोई लफड़ा लगा रहता है। मुझे तो लगता है मर्डर हुआ है। मर्डर के आगे रेप किया होगा। रेप के बाद शायद मर्डर करके यहाँ फेंक के गया होगा। पोल्टू पेपर देने के लिए निकला था, उसी ने पहले देखा। अरे नहीं नहीं, वो नर्सिंग होम के सिक्योरिटी ने पहले देखा। अरे बको मत, हम में से किसी ने नहीं देखा। हाँ। पुलिस को आने दो, छानबीन करके खुद पता कर लेगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी, हम लोगों को पूछताछ करेगी और हम ही को मुश्किल में धकेल देगी। ये लो, आ गई। चलो चलो भाग, चले मामल फंसेगा। कमेंट्री मत मार। इन बच्चों को क्यों लाया? ये बॉडी इन दोनों की माँ लगती है, समझे क्या? मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी। तू तो सब कुछ पहले ही समझ जाती है, खाली बोल नहीं सकती। ए भैया, सिक्योरिटी का बैच मिला। बॉडी को पहले देखा? हम में से कोई नहीं, हम में से कोई नहीं। हाँ हाँ। वो नर्सिंग होम का जो सिक्योरिटी है उसने पहले देखा। हाँ, हाँ। पोल्टू का मोबाइल से ही तो आप लोगों को फोन किया था, है ना? कौन सा नर्सिंग होम? इसी रास्ते से, पहले वाला चौक पर। इधर से जा सकती है। कौन सा नर्सिंग होम? मैडम, मैंने ठीक बोला? हाँ, मेरे पास नहीं है। जल्दी कहाँ जाएगी? इसी रास्ते से। आगे चौराहे पे डायरेक्ट वाला उधर जाएगा। बड़ा वाला मकान है। नहीं मैडम, यहाँ से कोई भी मरीज बाहर नहीं गई। लीजिए, हमारी मैडम आ गई। यस इंस्पेक्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अच्छा, आपने डॉक्टर घोष और डॉक्टर चंदन को इन्फॉर्म कर दिया है ना? हाँ मैडम। ओके। डॉक्टर दुर्निबार सेन इस नर्सिंग होम के मालिक हैं। उनके पत्नी डॉक्टर प्रोलेता सेन घोष इस नर्सिंग होम की देखभाल करती हैं। हेलो। हाय। आपके नर्सिंग होम में सुजेट नाम की कोई लड़की भर्ती हुई थी? मैंने आपसे कही थी ना मैडम, सुजेट नाम के कोई भी मरीज यहाँ पे भर्ती नहीं हुई। ओके। जरूरत पड़ने से फिर आऊंगी। हम क्या दूसरे नर्सिंग होम में जा रहे हैं मैडम? लगता है निशाना सही है, तीर हमने सही मारी। कुछ तो गड़बड़ जरूर यहाँ है, पर हाथ नहीं कर रहा है। वो रिसेप्शनिस्ट को एक्टिंग नहीं आती, वो झूठ बोल रही थी अपनी मालकिन के इशारों पर। हाँ मैडम, मुझे भी ऐसे ही लग रही है। रुक रुक कर जो बातें कर रही थी, उसकी मालकिन आने पर तो जान पे जान आई। मैडम वो कपड़े धोते वक्त गिर गया था। घर पे है? हाँ है ना मैडम। चलो कर, चलो दिखाओ। नहीं मैडम, कर मतलब, चलो मुझे दिखाओ। मैडम बोल। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने खून नहीं किया। सच बोल। हाँ, वो नर्सिंग होम से भाग रही थी, वो जो लड़की का नाम ले रही ना आप, सुजेट, वो नर्सिंग होम से चली जा रही थी और बहुत रात हो गई थी, मैंने उसको अचानक देखा। अरे आप कहाँ जा रही है? मुझे जाना है, अगर मैं यहाँ रह गई वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा आपको? प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए यहाँ पे, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। ठीक है,
आप बैठिए। मैडम 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 अरे आप डरिए मत हमसे। नर्सिंग होम से भाग क्यों रही थी आप? मैडम मैडम भयानक कांड हो गया, वो औरत भाग गई है नर्सिंग होम से। क्या क्या बकवास कर रही हो? ठीक है मैं अभी आती हूँ। और हाँ सुनो, किसी भी तरह से ये खबर दूरनिवास तक नहीं पहुँचनी चाहिए, समझी? यस मैडम। घर पे कौन कौन है, किसी को खबर देना है? आया के पास मेरे दो बच्चे हैं। कहाँ रहती हो, क्या हुआ था? मुझसे डरो मत। मैं राजरहट से भारी की गाड़ी पर सवार होके आंटी के घर की तरह जा रही थी। गाड़ी चलते चलते अचानक क्या हुआ? अब ऐसे क्यों चल रहे हैं? क्या हुआ? फिर नर्सिंग होम में कैसे आई? मालूम नहीं, याद नहीं, जब होश आया। डरने की कोई बात नहीं, आप नर्सिंग होम में हैं। मैं डॉक्टर दूरनिवासन। आप, क्या हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था? मैं यहाँ कैसे पहुंची? सांस लीजिए, जोर से लीजिए और जोर से। दर्द है? कावेरी, दूरनिवार ने फिर से शुरू किया है। फिर से का मतलब? अरे वो हेलो हेलो मैडम। हाँ बोलो। ए रुको मत, बोलते जाओ, सच क्या है ये मुझे जानना जरूरी है, बोलो। सच कह रहा हूँ मैडम, ये लड़की का मर्डर कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ए, तुझे क्या पता ना पता, मुझे सब पता है, सब कुछ पता है। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे सच जानना जरूरी है, बोल, सच बोल। सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे सच बोल। मैं सच कह रहा हूँ मैडम। तुम्हारे वो डॉक्टर जानवर है? आ
उसके बाद तुम भागने की कोशिश कर रही थी। मैडम मुझे उस लड़की ने सब कुछ बता दिया, डॉक्टर साहब के बारे में भी। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, वो अपने आप मर गई। मैं सच कह रहा हूं मैडम, मैंने नहीं मारा। ओ, ये लड़की कैसे मर गई? मैं मारना नहीं चाह रहा था। क्या से क्या हो गया? तू ही नहीं, ऊपर वालों को भी पकड़ना है मुझे। हेलो सर, दादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है दादा। मुझे सिर्फ सच जानना था, बाकी काम करेगी अदालत। ये सर क्या कह रहे हैं? सर सिक्योरिटी ने सब सच उगल दिया। अभी आप ओके सर? यस सर। क्या हुआ है मैडम? ऊपर वालों का ऑर्डर है, फाइल बंद करना पड़ेगा। ये क्या कह रही है मैडम? इतना दूर आके ऐसे सच उगल के? क्या किया जाए? एसपी साहब का फोन आया, मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है। ऐसे क्रिमिनल को तो गोली से उड़ा देना चाहिए इनकाउंटर के नाम पर। ऐसे मुजरिम को तो सजाए मौत होना चाहिए। नथिंग डूइंग। ऊपर वालों को खत्म करने के लिए अभी तक कोई गोली बारूद बनी नहीं। सही कही है मैडम, ऐसे होने से सारे इल्जाम पुलिस पर आएगी मैडम। I'm sorry, Suzette. I've tried my level best. मैडम, हेड ऑफिस से आपके नाम पर एक चिट्ठी आई है। मैं जानती हूँ क्या लिखा है इस चिट्ठी में। राम सिंह। हाँ मैडम। यहाँ का काम मेरा खत्म हुआ। ट्रांसफर ऑर्डर। यही है यहां का सिस्टम। hmm.